ओके देन, सो लॉन्च कर रहा हूं मैं अपना नया सब्जेक्ट। सो जैसा यहाँ पे लिखा है, योर एग्जाम्स ओवर, माय एग्जाम बिगिंस। सो SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद। 5 मिनट मुझे आप लोग का चाहिए, सो दैट मैं सिर्फ गाइड कर दूं आप लोगों को दैट हाउ द होल एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी। ऑब्वियसली जिन्होंने कॉस्टिंग लिया हुआ है उनको पता ही होगा द एक्सपीरियंस विल बी द बेस्ट, बट फिर भी मैं मेरी तरफ से जो भी पॉइंट्स है वो बता देता हूँ आपको, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट बिफोर ज्वाइनिंग द बैच। तो सबसे पहले कि क्यों सर आप SFM पढ़ा रहे हो, तो बिकॉज ऑफ द कनेक्ट दैट आई हैव विद फाइनेंस। सो JP Morgan में शायद आप लोग को, बहुत सारे जन को पता होगा कि मैंने अराउंड 4 साल काम किया है, एंड वो रिच प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मुझे मेरी एसेट मैनेजमेंट टीम ने फाइनेंस की फील्ड में दिया था, बस वही आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं एज अ प्रोफेशन एज वेल। सो यहां पे जैसा आप देख सकते हो, फाइनेंस एक्सपीरियंस एंड वर्किंग विद JP Morgan, वर्ल्ड बिगेस्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैंने वहां पे। ग्लोबल रियल एसेट्स, JP Morgan के फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, उसके बारे में काफी सीखा। ऑल ऑफ दैट डेफिनेटली विल बी डिस्कस्ड इन द बैचेस। सो जो मेरा स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, इट विल बी प्रैक्टिकल मार्केट एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करेंगे अपन लोग हार्ड कोर फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को। सो द बेसिक अप्रोच विल बी वेरी क्लियर कि जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स जो भी फाइनेंस में आप पढ़ने वाले हो, बीट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, वो सब मैंने प्रैक्टिकली किया है। अब वही प्रैक्टिकली कैसे होता है वो आपको पता चलेगा, एट द सेम टाइम कैसे उसको आपके सम से कनेक्ट करके यू नो यू कैन बिकम द नेक्स्ट फाइनेंस प्रोफेशनल इज हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू दिस सब्जेक्ट। कंटेंट कवरेज, ICAI विल ऑब्वियसली बी द फोर फ्रंट, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है कि आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये ICAI का कंटेंट, बट मैं वहां पे नहीं रुकूंगा। एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे, सो ओन सम्स भी है, कुछ ओल्ड सिलेबस के रेलिवेंट सम्स है, मॉड्यूल तो बाय डिफॉल्ट करना ही है, आई थिंक दैट दैट गोज विदाउट सेइंग, पास्ट पेपर का एनालिसिस है, RTP MTP करेंगे। जैसा आप लोग यहाँ पे देखते हो आप लोग के CA फाइनल का, अगर आप लोग ने कॉस्टिंग का देखा होगा, तो एज यूजुअल एक अपना चैप्टर से स्टार्ट होता है, देन देयर इज अ मोटिवेशनल थॉट प्रोसेस, फिर बाद में यहाँ पे ICAI ने पास्ट पेपर्स में इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या लिया है, ऑल ऑफ दैट इज देयर। फिर अपने स्टाइल में इसको पढ़ाने का एक बोलते हैं ना स्कोप, सो मजा आएगा आपको पढ़ने में विद द बुक्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, विद द लेक्चर्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, एंड इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ऑलराइट गाइस, सो कवरेज वाइज यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड 100% जो भी मैं करवाऊंगा पूरी तरह से आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स में, आपके पोस्ट CA क्वालिफिकेशन में भी, इफ यू आर प्लानिंग टू मेक अ करियर इन फाइनेंस जैसे कि मैंने किया था। लाइव बैच रहेगा, सो लाइव बैच इज ऑलवेज गुड यू नो। और मैंने एक चीज नोट की है कि SFM के लिए कहीं पे भी कोई भी प्रोफेसर एज सच लाइव बैच नहीं दे रहा है, आई मे बी रॉन्ग, बट ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए, बिकॉज यू विल गेट अ क्लियर इंटरेक्शन होगा अपना। सो आप लोग के भी दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती होगी फाइनेंस रिलेटेड सर की, कैसे चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, सो ऑल ऑफ दैट कैन बी डन थ्रू दिस लाइव बैच। एंड समझो आप लाइव बैच के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो उसी चीज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो बेनिफिट क्या है कि मैंने लाइव बैच लिया हुआ है, तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे लाइव बैच में, उनके जो टिपिकल क्वेश्चंस है उसको मैं आंसर करूंगा। तो अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो भी आपको वो यू नो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है उनके जो कॉमन क्वेश्चंस है वो तो मैं उस हिसाब से आंसर कर ही दूंगा। सो इवन इफ यू आर वॉचिंग एट द रिकॉर्डिंग, तो आप लोग को काफी अच्छा नॉलेज उससे भी मिल जाएगा। सो लाइव बैच का वो एक बेनिफिट है, प्लीज बी अवेलेबल। आप लोग ने पहले कहीं पे किया हुआ भी है SFM तो फिर भी एक अच्छा ब्रशअप हो जाएगा आप लोग के लिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मूलाज को डिराइव करना है, एंड मैक्सिमम फोकस अपना रहेगा सॉल्विंग ऑफ सम्स के ऊपर। एट द सेम टाइम मैं होमवर्क भी दूंगा और उसी को क्लास में नेक्स्ट डे डिस्कस कर लूंगा, सो दैट आप लोग का भी साथ साथ में मेरे ही लेक्चर्स के साथ साथ में पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट फोकस विल बी गिवन ऑन फॉर्मूला डेरिवेशन, बिकॉज इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। अब CA फाइनल लेवल पे अगर आप फॉर्मूला लर्न करने को जाओगे, देन इन दैट केस एग्जाम टाइम पे यू विल गेट कंफ्यूज, बिकॉज अगर कोई नया क्वेश्चन आया तो आप उसको कैसे टैकल करोगे आपको नहीं पता चलेगा। बट इफ यू हैव डिराइव द फॉर्मूला प्रैक्टिकली कैसे, सी कोई फॉर्मूला ऊपर से तो नहीं गिरता है, देयर इज अ वे हाउ द फॉर्मूला हैज अराइव्ड एट डिराइव्ड एट,
बस वो लॉजिक पे जाना है, एंड देन डेफिनेटली सम सॉल्व करने में भी मजा आता है। अगर अपन ने खुद से फॉर्मूलाज डिराइव किया होगा तो कॉस्टिंग में हो, एफएम में हो, फाइनेंस में हो, बहुत सारे फॉर्मूलाज होता है। सो पहले गेट टू द बेस कॉन्सेप्ट, टू द बेस एग्जाम्पल जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, एंड देन गेट इट विद द डेरिवेशन। सो ये एक स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी व्हेन आई एम टीचिंग एसएफएम, तो अगेन दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। टाइमिंग्स दो बैचेस है, वन इज हिंदी बैच सी, अगर आप लोग का मॉर्निंग में कुछ कमिटमेंट है देन यू कैन अटेंड इन इवनिंग, इवनिंग में कमिटमेंट है देन यू कैन अटेंड इन मॉर्निंग। हिंदी बैच भी है, फुल इंग्लिश बैच भी है, सो इवन इफ यू आर फ्रॉम डाउन साउथ यू कैन इजिली अटेंड दीज लेक्चर्स एंड इट विल बी डन अराउंड 50 डेज। 150 आवर्स का मैंने थॉट प्रोसेस रखा है एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। वी विल डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेटर ट्रिक्स, टेस्ट सीरीज जो मैंने सोचा है, जो मेरा यूएसपी रहेगा इसमें, एंड दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो जैसे जैसे अपने चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, मैंने चैप्टर्स को कुछ फेजेस में डिवाइड किया है, वो जैसे मैं सिखाऊंगा आप लोग को डिस्कस करूंगा, तो वो जब मेरे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे मैं आप लोग का उससे रिलेटेड पर्टिकुलर टेस्ट भी कंडक्ट करते रहूंगा ऑन रेगुलर बेसिस। सो यू आर ऑन योर टोज फॉर दिस सब्जेक्ट। तो अपने को जो एक 75, 80, 80+ का बोलते ना एक डील चाहिए एसएफए में, दैट इज व्हाट विल बी पॉसिबल थ्रू दी टेस्ट सीरीज एज वेल। एक पिक दिखाऊं आप लोग को, बोलते ना डाउन द मेमोरी लाइन वाली पिक है ये मेरी, एंड हियर इट इज, ये दिख रहा है आपको, ये नन्ना सा बच्चा है संकल्प, जो जब उसने सीए को क्लियर किया था तब का ये मेरा पिक है व्हेन आई वाज इन जेपी मॉर्गन, एंड दीज आर माय कलीग्स। आपको मैं बता दूं कि इसमें एज में सबसे छोटा वो है जो बीच में बैठा है, जिसको लग रहा है कि वो बॉस है, बट माई टीम वॉज वेरी सपोर्टिव। यहाँ पे आप जितने भी लोगों को देख रहे हो ना, दे आर ऑल आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एमबीएस फ्रॉम वेरी ब्रिलियंट कॉलेजेस, दे आर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सम आर सीए प्लस सीएफएस, सीए प्लस एमबीएस, एक बंदा तो हम लोग उसमें था हु हैज डन एमबीबीएस प्लस एमबीए। सो बहुत ही सुपर रिच कल्चर था हम लोग का, एंड दे वर ऑल वेरी हेल्पफुल। एंड यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो कि कितने सपोर्टिव थे, कि मुझे बीच में बैठने दिया और बोला कि ले टेक द लीड। एनीवे सो पुरानी बातें हैं, अब काम में आने वाली है जब मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। फिर ऑब्वियसली एज यूजुअल रिवीजन सीरीज भी रखेंगे अपन। मैजिक बुक जो मेरी एक समरी बुक है, तकिया कलाम समरी बुक है पूरे सब्जेक्ट को लेके, दैट इज ऑल्सो इन प्रोसेस, दैट विल ऑल्सो बी लॉन्च वेरी वेरी सून। सो रिविजन सीरीज, मैजिक बुक रिवीजन सीरीज होगा जिससे आपका पूरा एसएफएम का रिवीजन हो जाएगा इन क्विक टाइम, एट द सेम टाइम एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। द बैचेस आर इन प्रोसेस एंड वी हैव कम आउट विद अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, सो दैट अगर आपने कहीं पे पहले एसएफएम किया भी है बट अभी आपको ब्रश ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए तो भी इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 50% ऑफ, बट इट इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, सो लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड स्टूडेंट ऑफर, सो प्लीज माय सजेशन इज के हरी अप बिफोर सीट्स गेट्स फिल्ड अप फास्ट। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हमारा टीम, टू मेक द बेस्ट ऑफ द कंटेंट्स पॉसिबल, टू गिव यू द बेस्ट आउटपुट। सो ये जो भी आपके मॉड्यूल्स है उसको एक बेस्ट फॉर्मेट में करना है, एंड मैक्सिमम सम्स इंक्लूड करना है, ऑल ऑफ दैट इज द वर्क इन प्रोसेस फ्रॉम आर एंड। काफी टाइम से हम लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, फॉर्मूला शीट्स बन रही है आपके लिए स्पेशली। सो ऑल ऑफ दिस इन द सेशन, सी यू ऑल गाइज, आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड लेट्स लेट्स गिव द बेस्ट। डेफिनेटली मेरी तरफ से तो 200, 500% आने वाला है, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी द सेम विद यू। टाइम फॉर मी टू से हस्ता ला विस्ता, मिलते हैं बैच में, मजे में, मस्ती में, वी विल कवर द होल सब्जेक्ट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। हस्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच। एंड आप आपके, अगर आपका हो सकता है ग्रुप वन हो गया हो तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर सकते हैं जिनका SFM बाकी हो, इट विल बी हेल्पफुल टू देम एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय।